بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم. رمضان ہمارا ایمان میں نصرت حارث شہری اور ہماری پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا ہمارا سبجیکٹ جلدی سے میں اس کی طرف موو آن کروں گی کیونکہ بہت سی امپورٹنٹ ڈسکشن ہمیں کرنی ہے. جتنے بھی ہمارے پاس عالم دین اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے رحم یا کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ساتھ ہی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے سے ہم کس طرح اپنی بخش کروا سکتے ہیں. کل مفتی صاحب نے شہری بہت اچھی بات کی تھی کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان جو ہے وہ محفوظ رہے اور ہم میرے خیال میں اگر ہم لوگ ہیں تو ایک نشست میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو شاید ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں. جب ہم اس نشست سے باہر نکل جاتے ہیں اور روزمرہ کے معاملات اور اپنے معاشرے میں جو ہماری ڈیلنگ ہے اس میں ہماری مرضی ہے
किसी को तो हम इंसान समझते हैं, फिर मुसलमान समझते हैं, किसी को हम उस दायरे से बाहर भी निकाल देते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हमसे ज्यादती हो जाती है और किस किस ज्यादती को शायद इस महीने में हमारी थोड़ी सी अगर तरबियत कर दी जाए तो हम उसका ख्याल रखें और इसमें भी हमारे आमाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे आमाल अच्छे हो जाएं तो क्या ही बात है। शहरी से आपकी मुलाकात हो गई, शहरी आप क्या कहते हैं इस पे? और कुछ आज हमारा टॉपिक है माशरा, पुलिस और हम, आपका तो बहुत फेवरेट है ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से भी है जैसे कि आपने कहा कि लोग कहीं पर किसी को इंसान समझते हैं तो कहीं पर कुछ और समझने लगते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या उसके नुकसानात हैं और इस्लाम उस पर क्या कहता है, आज हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। जरूर डिस्कस करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। फौजिया तारिक साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में इनके इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सी खवातीन व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रही हैं वो कॉल करना चाहेंगी, तो आपको मौका मिलेगा, आप जरूर कॉल कीजिएगा, आप इनसे अपनी बात कीजिएगा। CEO है MCTS की और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, आपके लिए थोड़ा सा आसान इस तरह से कर देते हैं कि इनकी जो कंपनी है MCTS, ये पुलिस के साथ मिलके हम सबके हवाले से, इंसानियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहे हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में आज ये एक्सप्लेन करेंगी और हो सकता है कि जो सवाल आप इनसे करें वो बहुत बेहतर तरीके से आपको उसकी कोई आगाही दे सके। आपको भी वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती सैयद जैगम अली गर्देजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और मुफ्ती साहब से आज हमने खुसूसी तौर पे पूछना है कि हमारे यहाँ की जो पुलिस होती है या हमारे यहाँ के जो एहलकार आपको सड़क पे नजर आते हैं, उनकी कोई इज्जत है जो हमें करनी चाहिए, जो हमें हम, मेरे ख्याल में एक तबका है जो इज्जत से, इज्जत तो क्या करेगा, डर की वजह से फॉलो कर लेता है, और एक तबका है वो कहता है भाई तुम ठीक है, तुमने मुझे ये कहा ना, मैं फोन लगाता हूँ और तुम्हारी बात कराता हूँ। किस थाने में होता है, तुम्हारा पेटी नंबर क्या है, पेटी नंबर क्या है, तुम्हारे अब्बू से तुम्हारी बात कराता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने इसे आगे लेकर चलना है। हमारे नाथ खां भी इस वक्त मौजूद है, नाथ हमें सुननी है मेरे ख्याल में, नाथ खां है हमारे, फरीद अहमद खुर्शीदी साहब, और कुछ बात आगे बढ़ाने से पहले नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरुल ऐनी मरहबा, आप हैं सबके इमाम, आप हैं सबके इमाम, आपके हम सब गुलाम और गुलामों का है काम, पढ़ते रहना सुबह शाम, या हबीबी मरहबा, या नूरुल ऐनी मरहबा, जिक्र आका का ये करम देखा, जिक्र आका का ये करम देखा, दूर होता हर एक गम देखा, दूर होता हर एक गम देखा, जिक्र आका का ये करम देखा, देखा जितना भी है मदीने को, जितना भी है
मदीने को ऐसा लगता है हम ने कम देखा, ऐसा लगता है हम ने कम देखा। और ये महफिल नात जो सजाते हैं, ये महफिल नात जो सजाते हैं, उनको खुशहाल दम बदम देखा, उनको खुशहाल दम बदम देखा। याद तैबा में सब तड़पते हैं, तड़पते हैं। सबकी आंखों को हम ने नम देखा, सबकी आंखों को हम ने नम देखा, जिक्र आका का ये करम देखा। नात जब भी कमाल लिखी है, नात जब भी कमाल लिखी है, सजदा करते हुए कलम देखा, सजदा करते हुए कलम देखा। सुभान अल्लाह। और इस वक्त का हमारा टॉपिक माशरा, पुलिस और हम, और उस पर बहुत अच्छी बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं। इनका तो ये डिपार्टमेंट रहा है। जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट भी रहा है और फौजी अदारे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने तो वैसे नुसरत काफी काम किया है और कहीं पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने अच्छा देखा तो कहीं बुरा देखा, और हर डिपार्टमेंट में कोताहियां होती हैं। तो पहले अगर हम फौजी तारिक से पूछ लें कि पूछ बड़ा काम किया पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और आपने पुलिस डिपार्टमेंट को क्या पाया? काफी मुश्किल सवाल है ये, लेकिन आपने भी शहरी की तरह सच ही बोलना है, लेकिन लेकिन ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी कैपेसिटी है, मेरे ख्याल से उसके मुताबिक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यू नो आई हैव बीन टू वैनकूवर, अभी मैं वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने एक दिन स्पेंड किया। मैं वहाँ के पुलिस चीफ से मिलकर आई और बहुत कुछ मैं वहाँ से लर्न कर आई हूँ एक दिन में, और फिर यहाँ पर आकर मैंने जो हमारे आई जी साहब थे उनसे पूरी बातें डिस्कस की थी और बहुत सारे आइडियाज दिए थे। तो मुझे ये लगा कि हमारी पुलिस के साथ एक तो सबसे बड़ा इशू है कि पॉलिटिसाइज्ड है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस अच्छे से काम करे तो उसको सबसे पहले आपको डीपॉलिटिसाइज करना होगा, जिसके लिए हमारे आईजी साहब अभी जो करंट है वो फाइट भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। तो इसकी वजह से यू नो हमारी, हम पुलिस को ब्लेम तो करते हैं, बट दैट इज द मेन रीजन। अभी जैसे आज आपने खबरों में सुना होगा कि ही वाज सेइंग कि प्रोटोकॉल में पुलिस बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जबकि हमें पुलिस चाहिए पुलिस सर्विस के लिए ताकि हम उसको यूज कर सकें, रेजिंग दैट इशू अगेन एंड अगेन। और एक और चीज भी है, मतलब दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस कि आईजी साहब ने ये सोचा कि सिविल सोसाइटी को अपने साथ जोड़े, जैसे कि आपकी कंपनी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग MCTS is a company, right? और ये कंसल्टेंट्स मिलके पुलिस के साथ काम करें, उनके बिहेवियर पे भी काम करें, लोगों की भी मदद करें, तो ये एक बड़ा विजनरी सा डिसीजन है। जी, और आपको पता है एडी ख्वाजा जो नाम है, इट्स एवरीवन नोज दैट ऑनेस्टी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, एवरीबॉडी नोज दैट। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक कॉलर भी है, शाजिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, बहुत बहुत अच्छा शो हो रहा है, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए।
जी आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। एक सवाल मैं जरूर करूंगी 14 तारीख से जो मेरे जहन में बिल्कुल एकदम से आया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में आया होगा। आई एम श्योर कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, जो मतलब शहरी ने भी काम करा वो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन एक आम जनरल जो एक अंदर कॉमन सोच ये है कि पुलिस अच्छा काम नहीं करती है, लोग उनको अप्रोच नहीं कर रहे, उनका इमेज इतना खराब क्यों है, ये इमेज अच्छा क्यों नहीं हो सकता पुलिस का? ये इमेज पे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये भी करेंगे। और खवातीन थाने जाने से कतराती क्यों है, मेरे तो जहन में ये भी सवाल है। ये जो है ना बात के कोई मसला हो गया, नहीं मैं थाने नहीं जाऊंगी, मैं और कहीं चली जाऊंगी, एनजीओ चली जाऊंगी और नहीं, तो ये भी हमने जो परसेप्शन बनाया हुआ है ना, जैसे कि अभी हाँ। फौजिया तारिक ने बात की ना, तो हम शुरू से स्टार्ट लेंगे ताकि लोगों को समझ आ सके। हम बात करते हैं शुरू में फैसिलिटीज की। हाँ तो नो डाउट मैं यकीन माने कि जो पुलिस को जिन सूरत हाल में पुलिस काम कर रही है ना, अगर मैं और आप हूं तो शायद ना कर पाए। 12 घंटे की ड्यूटी में आप यकीन माने पेट्रोल कम मिलता है, मोबाइलों को धक्का लगा के मोबाइलें स्टार्ट होती है ना, उनसे खाना पूछा जाता है ना कुछ पूछा जाता है। अब अगर और अगर, अगर किसी का शहीद हो गए तो वो अलग, और किसी का प्रोटोकॉल गुजर जाए, अगर सीएम साहब गुजर रहे हैं, आप यकीन माने 6-6 घंटे पहले खड़ा होना पड़ता है, 8-8 घंटे पहले खड़ा होना होता है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम लेके चले ना, तो वाकई में सबसे बड़ा जो फुकदान है वो हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज का है। ठीक है शहरी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और क्योंकि हमें इंटरप्ट नहीं फिर करना चाहेंगे हम, और दोनों मेहमानों को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, तो पहले हमारी किचन में शेफ जो है, मुझे लग रहा है आज बहुत गुस्से में, उन्होंने हमें देखा कि आप लोग तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहे, मतलब क्या आप लोग भूल जाएंगे मुझे? नहीं नहीं बिल्कुल, आज मिलाद भाई शहरी आपको भूल सकते हैं, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं आ जाती हूँ। किचन में चलते हैं शहरी, आइए देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। लेकिन आज बड़ी ही खूबसूरत डिस्कशन वहां भी होने वाली है, खूबसूरत और अहम डिस्कशन, तो इसलिए मैंने सोचा कि शेफ के पास हम पहले आ जाते हैं। और आज तो शहरी को ये जो जो चीजें फेवरेट है ना इनकी, वो बन रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है ये रोज क्या पका रही है, ये हमारे लिए मतलब हम देसी लोग हैं, आप ये मशरूम्स और ये चीज, मैं यही सुनने वाली सुनना चाह रही थी। हाँ जी, आज एग फ्रिटाटा बना रही हूँ। एग फ्रिटाटा, फ्रिटाटा जैसा आपने टॉपिक रखा है ना, एग फ्रिटाटा वैसा। अच्छा, ये नए नए नाम ये ला रही है? नहीं है, एक्चुअली गॉर्डन रामजे एक शेफ हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो उनकी एक सिग्नेचर डिश है, तो मैंने कहा आप लोग, अब इन्होंने शेफ का नाम भी इतना मुश्किल बता दिया। ज्यादातर लोग भज्जे पाए वाले को फॉलो करते हैं, आप इसको फॉलो करती हैं, लेकिन मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। हाँ जी, तो अब ये है कि इसमें एग्स चाहिए, ये एक तरह का ऑमलेट है लेकिन एक हैवी और एक फुल मील ऑमलेट है। अच्छा, तो इसमें हमें एग्स चाहिए होंगे, मैंने 12 एग्स ले लिए। अच्छा ठीक है, और मैंने रेड चिली पाउडर जो हमारे नॉर्मल ऑमलेट के मसाले होते हैं, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट है और पेपरिका पाउडर है जी, गार्लिक पाउडर है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, चिकन पाउडर अगर डालना चाहें तो डाल लें, वैसे इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है इसलिए कोशिश करें ना डालें, मैं डालती हूँ फ्लेवर के लिए, तो फिर मैं नमक कम रखती हूँ। ठीक है, और मिक्स्ड हर्ब्स हैं। अच्छा, इसमें चीज डलेगा, चेडर चीज मैं कम यूज कर रही हूँ, मोजरेला थोड़ा ज्यादा इसलिए यूज करती हूँ, रोज चीज, मैंने कहा कि शहरी में थोड़ा इंसान के पास एनर्जी हो तो वो थोड़ा वो हो जाएगा, और मोजरेला मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि उसमें एक वो लेस, वो एक पिज्जा वाला एक आता है ना उसके अंदर, तो टेक्सचर वो बड़ा अच्छा हो जाता है। बाकी प्याज है मेरे पास डाइस्ड अनियंस, उनको पहले मैं सॉटे करके उसके अंदर मशरूम्स डालूंगी, बेल पेपर है जो कि हमारी शिमला मिर्च, और सॉसेजेस अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना तो, जैसे मेरे अब्बू नहीं खाते तो वो उनके लिए मैं नहीं डालती। अच्छा, एक चीज, ये अंडे, सिर्फ ये अंडे ही है इसमें कुछ और? नहीं, सिर्फ अंडे ही है। ओके, सिर्फ अंडे ये मैंने पहले से तोड़ के रख लिए थे, तो ये अंडे आज आप खाएंगे और फिर देखेंगे। अच्छा, नॉर्मल हम घर में ऑमलेट खाते हैं वो सही रहता है, अब उसमें इतनी चीजें डाल देंगे देखते हैं क्या। आप एक इसका थोड़ा सा खाएंगे पोर्शन, लेकिन आपका मजा आ जाएगा जब चलें देखते हैं। हाँ, आपके तो रोज मजे आ रहे हैं, मेरे रोज वो मैं आपके एक्सप्रेशन रोज नोट करती रहती हूँ। अच्छा, रोज ही होता है कुछ देसी पकेगा कुछ देसी पकेगा, अब आप कंटिन्यूअसली बिरयानी कहा होने, और मैं रोज इनसे पूछती हूँ, मुझे वहाँ से पता चला कि स्केड्यूल चेंज हो गया है तो आप नहीं बनाएंगे बिरयानी, भांडा भी फोड़ने वाली थी, स्केड्यूल चेंज हो गया किस वजह से हो गया। ठीक है, अच्छा एक कॉलर है उनसे बात कीजिए, बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी नुसरत, आप ठीक ठाक हैं? जी जी मैं सही हूँ। अच्छा शहरी, और मेरी आवाज इतनी मिलने लगी, फ्रॉम कराची से बात कर रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। जी शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, थैंक यू। और आप बहुत अच्छी कर रही हैं, और खास तौर पे शहरी को जो है वो इस उसमें देख के बहुत डिफरेंट लुक में देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
और जो है आपका जो टॉपिक है आज का, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जरूर बोलिए, अगर कोई सवाल है वो भी नोट डाउन करवा दीजिए। सवाल तो कुछ नहीं है, बस आज टीवी ने ये जो एक प्रोग्राम्स की है, रिवायत कायम की है टारगेट, और उसी के चैनल पे दूसरे और प्रोग्राम जैसे चल रहे हैं, तो उसमें जो है वो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है पुलिस के ऊपर वो काफी बहाल हुआ है, और मतलब औरतों को और सबको। और कॉल हमारे पास ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी, आप दोबारा कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल मकसद समझ में आ गया पुलिस को जो पॉजिटिव रोल दिखाएं उस पर ये बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे व्यूवर्स इतना सोचते हैं और हमारा साथ देते हैं, इस वक्त से प्रोग्राम देख रहे होते हैं, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप हमारे साथ रहिए, हमें बताते रहिए अपने कॉमेंट्स के बारे में। जो आज हमारे साथ कव्वाल ग्रुप है वो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली यहाँ पर आए हैं, और दिल्ली में निजाम दीन औलिया के दरबार के हवाले से सब जानते हैं, सियासतदानों से लेकर जितनी भी अहम शख्सियात हैं, अगर वो दिल्ली जाती हैं तो वहाँ जरूर जरूर हाजिरी देती हैं। तो वहाँ पर जो लोग कव्वाली करते हैं, आज इंटरेस्टिंगली और बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल कव्वाल हैं जफर हयात निजामी, अजहर हयात निजामी साहब, तो ओवर टू यू। कदम निकाले
रुख खुदा के हवाले, याद मोहम्मद दिल में बसा ले, याद मोहम्मद दिल में बसा ले, जन्नत में घर अपना बना ले, जन्नत में घर अपना बना ले। नबियों का सुल्तान वही है, 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 जन्नत का सामान वही है। मोहम्मद के शहर में, माशाल्लाह। और हम अपनी गुफ्तगू को, अपनी इस ट्रांसमिशन को अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा रमजान हमारा ईमान में इस ब्रेक के बाद। जो आया रमजान हमारा ईमान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं पहले बोल पड़ी आज के, अच्छा मैं इस तरफ हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। लाइव शो में आराम से अच्छे तरीके से बैठते हमारे साथ शहरी मौजूद है, हमारे साथ फौजिया साहिबा मौजूद है, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद है, शेफ हमारी किचन में। आज बहुत भारी भरकम अंडा बना रहे हैं। अच्छा आप कुछ कंटिन्यू कीजिए क्योंकि बिल्कुल मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा एक ही बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ आता है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि खवातीन के जहन में, खवातीन क्या एक जनरल परसेप्शन है लोगों के जहन में, ये है कि पुलिस का इमेज एक खतरनाक है। बड़ी कोशिश की हमने अपने प्रोग्राम्स के जरिए उठाने की भी, लेकिन रीजंस अब तक फाइंड आउट नहीं हो पा रहे। वो पुरानी पुलिसिंग चल रही है या तो इस वजह से हो रहे हैं या क्या रीजन, क्या आप क्या समझ पाई है काम कर रहे हैं इमेज बिल्डिंग पे? एक्चुअली आई एम ट्रेनिंग कंसल्टेंट, तो हम तो उनको ट्रेनिंग ही करवाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, और जिसमें एक इमेज बिल्डिंग और एटीट्यूड एंड बिहेवियर को भी हमने ऐड किया है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को। देखिए पुलिस का इमेज क्यों अच्छा नहीं है, मैं तो पब्लिक से ये कहना चाहती हूँ कि कभी आपने पुलिस की रिस्पेक्ट की है? दैट्स अ बिग सड़क पे एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सुबह से शाम तक खड़ा हुआ है, वो आपको रोक रहा है सिग्नल, आप फिर भी सिग्नल तोड़ के भाग रहे हैं, फिर जब आपकी FIR करती है या जब आपके अगेंस्ट एक्शन होता है तो आप उनको ब्राइब करते हैं, आप तो करोड़ों तक भी चले जाते हैं कि भाई मुझे बचा लो, मेरी FIR नहीं काटना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ पब्लिक को कि पुलिसिंग इज नॉट इजी, इट्स रियली डिफिकल्ट, यू नो, गोइंग थ्रू दी हेडलेस बॉडीज से लेकर और क्रिमिनल से लेकर, पुलिसिंग इज नॉट इजी एट ऑल। तो मैं पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक जो 12 घंटे 18 घंटे एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हुआ, कभी आपने उसको जाके एक पानी दिया है कि भाई बहुत शुक्रिया तुम हमारी जो है वो यहाँ पे सेफ्टी के लिए खड़े? और बिलीव मी एक दिन एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को हटा के देख लें आप सिग्नल से, आप हटा के देख लें कितने एक्सीडेंट होंगे, लोग कितने आपस में लड़ेंगे। तो यू नो एक पुलिस कांस्टेबल हमारा, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सिग्नल्स पे, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं सुनी जाती। बड़ा अफसोस होता है कि कभी पब्लिक नहीं
पे हंगम होता है और नहीं सुनते और धमकियां लगाते हैं, गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, इशारे गलत करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम दोनों जानिब से, प्रॉब्लम ये इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम पुलिस को हटा दें तो हमारा सिस्टम एकदम आउट हो जाएगा, चाहे वो हमारी जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस है, चाहे हमारी जो वैसी पुलिस है जो ऑपरेशनल मामला देखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक आवाम की भी इसमें सबसे बड़ी गलती है। हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था, हमने ये दिखाया था कि आज आवाम में कितने लोग रिश्वत देते हैं। तो हमने वहां पे, मैंने खुद यूनिफॉर्म पहना और हम लोग वहां पे खड़े हो गए। अच्छा। और हमने ये दिखाया कि बस लोग आ रहे रोक रहे। अब मैं आपसे पेपर मांग रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप किसी और मुल्क में है या कहीं है तो आप अपना गाड़ी का पेपर लेके निकले, हमें कैसे पता आपकी चोरी की गाड़ी क्या है। तो जब पुलिस रोक रही थी उनके पेपर नहीं थे, क्योंकि कराची में 80% लोग गाड़ी के कागजात लेके निकलते हैं, उनके रीजन ये चोरी हो जाते हैं। और जब उनको पुलिस रोक रही तो वो खुद रिश्वत ऑफर दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि वहां सबके माइक लगे हुए और वो उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो रिश्वत देने के लेने के साथ देना भी जुर्म है। अब एक सिस्टम इस तरह का बन गया है कि जो रोड पे खड़ा हुआ कांस्टेबल है वो भी रोड पर ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेता है जी। तो आवाम ये देख के बोलती है कि जी ये लोग जो है रिश्वत ले रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आवाम भी दे रही है। तो ये प्रॉब्लम दोनों जानिब से है। मेरा जो क्वेश्चन आपसे वो है वो ये है कि आप लोग जो करियर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनको बताते हैं कि किस तरह, तो क्या चीज आप देखती हैं कि अगर पुलिस अपने अंदर ये ठीक कर ले तो औरतें और जो दूसरे लोग हैं वो वहां पर जाकर इजी बात कर सकेंगे। हाँ, और इसके बाद फिर हम मुफ्ती साहब से भी बात करते हैं। पुलिस का अगर एटीट्यूड थोड़ा पोलाइट हो जाए, हम उनको ट्रेनिंग में भी कहते हैं कि थोड़ी मुजरिमों वाला एटीट्यूड हर किसी से ना रखा करें, मुजरिमों से आप और टोन में बात करेंगे लेकिन पब्लिक से आप थोड़ी पोलाइट बात करेंगे। आई थिंक इफ दे इम्प्रूव देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर तो बहुत बेहतरी आ सकती है। खवातीन के हवाले से मुझे आपसे सवाल करना है, लेकिन मुफ्ती साहब अब तक जो डिस्कशन हो रही है उसमें तो हम माशर्ती पहलुओं को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं, हमारे मजहब ने हमें क्या कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस का इब्तदाई महकमा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला आपके ज़माने से इसका आगाज़ हुआ, और उससे पहले चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, आपके बाद सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का ज़माना, तो उसमें आप अलैहिस्सलाम के तरबियत करदा अफराद थे, जिसमें दीन में ऐसे उसूल ऐसा तरीका ऐसा रास्ता बताया गया कि जिसमें कानून सीखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप सस्म का ज़माना दूर होता गया जी, तो तरबियत में कमी आई। सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में पुलिस का महकमा बाकायदा इसका मारे से वजूद में आया, और फिर बाकायदा से इनकी तनख्वाहों का निज़ाम, फिर चौकियाँ और ये सारे मामला आपके ज़माने में कायम। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब की कॉल है मदीना मुनव्वरा से। अस्सलाम वालेकुम। ओह सो सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई जी, इसे कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद फिर यानी इससे पहले कोई बाकायदा इसका निज़ाम नहीं था, और चूंकि इनका इज्जत कितनी बताई गई है दीन में, यानी इनका बुनियादी मकसद और इनका फरीजा जो है कि मुआशरे से जराइम का खात्मा करना, बुराइयों का खात्मा करना और कानून के दायरे में अवाम को लाना, कानून की अमल दरामद करना। तो ये मुजाहिद की तरह है कि जिस तरह वो दीन इस्लाम के निफाज के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो सरहदों के बाहर काम करता है, तो ये सरहदों के अंदर काम करते हैं जी, बिल्कुल। यानी दीन के जो कवानीन हैं तो उनका निफाज, उनकी पासदारी, उनकी अमल दरामद, ये पूरा मुकम्मल पुलिस के पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का फ़र्ज़ है। तो अगर पुलिस का महकमा अपने फ़राइज़ को सही दयानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ करता है, तो उसके लिए मुजाहिद का सवाब है कि वो यानी इस्लामी कवानीन है या मुल्की कवानीन है, ये उनके तो लिए है। उसके लिए अगर यानी अवाम को उसके मातहत करता है, अवाम से पासदारी कराता है, तो उसके लिए मुजाहिद का सवाब है। उसके लिए तो है, अवाम के लिए क्या हुक्म है? अवाम तो जो हमारी अवाम कानून तोड़ती है, मतलब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बदतमीजी कर रही है, कानून तोड़ रही है, तो इस्लाम में इसको किस तरह देखा गया? देखिए, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि खराबी है दोनों तरफ से, अगर जिस तरह रिश्वत का मामला है या दीगर इस तरह के बदतमीजी का मामला है, तो पुलिस को जो कानून दिया गया है अगर उस कानून पे शुरू से ही अमल दरामद करती रहे, तो रिश्वत जैसे अगर वो नहीं लेती तो कोई आके जबरदस्ती जेब में डालना चाहे तब भी उसने अपने कानून पे अमल दरामद कराना है। रिश्वत भले जेब में डाल के चला जाए, आप उसे जो FIR कटनी है या जो भी मामला उसके साथ होने तो आप वो करें। तो जब आपकी तरफ से और इसमें रिश्वत देना जैसे एक देना कॉलर है शहरी, इस वक्त इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नसरत, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आप लोगों का शो माशाल्लाह जा रहा है रमजान का जी। बहुत शुक्रिया। नाम आपका? जावेद साहब है जी। एहसान, एहसान साहब जी।
احسان صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی دراصل میں شکاگو میں ہوتے ہوں تو وہاں بھی میں شہری کا شو دیکھتا ہوں ماشاء اللہ بہت شوق سے. میرے بچے بھی بہت زیادہ شہری سے موٹیویٹڈ ہیں. تو مجھے یہ سوال تھا شہری سے کہ شہری پلیز مجھے اس بات کا بتائیے کہ آپ شو تو ماشاء اللہ بہت زبردست کرتے ہیں, آپ کے جذبات بھی بہت زبردست ہوتے ہیں, کیا پولیس اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے آپ کے شو کے بعد؟ شو کے بعد ٹھیک ہے بالکل جواب دیتے ہیں, اس بارے میں بات کرتے ہیں. جی یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کری کہ جی امپلیمنٹ کہیں کہیں ہم کرواتے ہیں آپ کے شو کے بعد. ہاں ہمارے شو کے بعد کئی دفعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے, پھر کچھ ایسے قانونی معاملات ہوتے ہیں جس کے بعد پھر وہ چیز دوسری طرف چلی جاتی ہے. لیکن پولیس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہماری عوام کا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم ایک ووٹ کی طاقت سے کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو ہم اتنے کمزور کیوں بن جاتے ہیں؟ سپوز ایک علاقے کے اندر ایک سینما چل رہا ہے جہاں پہ فوش فلمیں دکھائی جا رہی ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جب میں پروگرام کرتا ہوں پولیس کے ساتھ جاتا ہوں تو وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ہزار لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس میں وہ اکثر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ دوبارہ کھل جاتا ہے, مے بی کچھ اندر کی سیٹنگ ہو, ہمارے پاس اور بھی ٹاپکس ہوتے ہیں. لیکن میں ان سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یار جب اس وقت آپ ہزار لوگ جمع ہوئے ہو تو جب یہ چلتا ہے کہاں تھے تب؟ اگر ہزار کیا پانچ سو جمع ہو جاؤ, کیونکہ عوام میں ایک اتنی بڑی عوام ہے, اتنی بڑی طاقت ہے نصرت. بالکل میں آپ کو یقین مانوں عوام جسے چاہے ہیرو بنا دے جسے چاہے زیرو بنا دے, اور وہ ہیرو زیرو بنتے بھی ایسے ہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے دھرنے اور باقی تمام چیزیں آپ کے سامنے. ہمارے پروگرام کے بعد کافی فوائد بھی ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ ہمیں رزلٹ نظر بھی نہیں آتے, لیکن سارا بلیم پولیس کو دینا نا یہ بھی غلط ہے. کیونکہ میں مجھے پولیس کے معاملات پتا ہے تو کہیں کہیں تو بہت ہی غلط ٹریک پہ ہوتے ہیں. میں بھی آپ سے سوال کروں گی, اور آپ سے جو ہم نے خواتین کے بارے میں سوال کرنا ہے, بٹ علیم صاحب کی کال بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک لگا شکر, آپ کیسے ہیں؟ نصرت حافظ, سال سے آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, پہلی بار آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت مجھے بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے کال ملائی, کال مل گئی, ہم سے بات کر رہے ہیں. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کیجئے. اور سوال کس سے, شہری سے کریں گے, فوزیہ سے کریں گے, یا پھر ہمارے مفتی صاحب؟ گفتگو کرنا چاہوں گا. جی آپ نے ٹاپک دیا ہے پولیس, معاشرہ اور ہم. جی بالکل. دیکھیں آپ, مختلف دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, مسالک ہیں اور قومیت ہیں. جی اور ان ملکوں میں بھی پولیس ہے, ریاستی قانون ہے. پولیس کو اسپیشل آرڈر دیے جاتے ہیں, ہم سے مراد یعنی پاکستان, کسی بھی ریاست میں رہنے والے لوگ, اس ملک کے باسی. جی پولیس کو اسپیشل آرڈر دیے جاتے ہیں اور پولیس کے پاس وہ اتھارٹیز ہوتی ہیں, وہ پاورز ہوتی ہیں جو دوسری ایجنسیز یا دوسرے سیکورٹی اداروں کے پاس نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آرمی, فوج, فضائیہ کے پاس اتنے تعلقات نہیں ہوتے, اتنے آرڈرز نہیں ہوتے کہ وہ عوام میں رچ بس سکیں. پولیس واحد ایسی فورس ہوتی ہے جو عوام میں رچی بسی ہوتی ہے, انہیں عوام میں پھیلایا جاتا ہے تاکہ وہ گلی محلے کے تمام معاملات دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پولیس صرف اس لیے بدنام ہوئی ہے, یا تو وقت پر ان کو پاور دی نہیں جاتی, یا پھر اتنی دے دی جاتی ہے کہ ان کی پاور کو چیک کرنے کے لیے ان کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. اس وجہ سے پاکستان میں پولیس کبھی تو جب کھل کر کام کرنا چاہتی ہے تو پیچھے سے روک دیا جاتا ہے, اور جب جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں پھر پولیس کتنی مجبور ہو جاتی ہے. یہ بات ابھی فوزیہ صاحبہ نے شروعات میں ہی کہی تھی کہ پولیس کا پولیٹیسائز ہونا جو ہے نا وہ ایک میجر چیز ہے, اور آپ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں. پولیٹیسائز ہونا نہیں, پولیس اسٹریٹ کرائم, بے شمار کرائم پولیس سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا چلے اس پہ بھی بات کرتے ہیں نا, کیونکہ فیلڈ میں شہری نے بہت کام کیا, فوزیہ صاحبہ بھی آ گئی ہیں کام کرنے, ان کا تعلق بھی سول سوسائٹی سے ہے, ہم جیسے لوگوں میں سے ہیں یہ, تو یہ کیا کر دیں گے, کیا تبدیلی آ جائے گی پولیس سے, یہ بھی آپ کی طرف سے میں سوال ان سے ضرور پوچھ لیتی ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, لیکن کالرز ہمارے بڑے سوچ بچار والے آ رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان سے بات کر کے. اچھا فوزیہ صاحبہ, دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہی بات کہ کیا آپ لوگ امیج بلڈنگ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں ایٹ لارج کیا فائدہ ہوگا, اور ہمیں سے مراد یہ ہے کہ ہم خواتین کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کسی خاتون کی کمپلین ہے تو وہ آ جائے گی آپ کے پاس, اس کو ایسا انوائرمنٹ ملے گا کہ وہ سوچے گی کہ نہیں میرے محافظ بیٹھے ہیں وہاں پر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو ہمارا ٹریننگ اور وہ سارا چل رہا ہے, لوگوں کو فرق بھی نظر آیا ہوگا پچھلے ایک دو سالوں میں لا اینڈ آرڈر میں, تو حالات کافی اچھے تھے, کرائم ریٹ بھی زیرو تھا اور سب کچھ صحیح سے چل رہا تھا. اور جہاں تک رہی خواتین کی بات, تو ابھی میں نے آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہر تھانے میں دو لیڈی پولیس آفیسرز اپوائنٹ کر دیجئے تاکہ خواتین کو کوئی پرابلم نہ ہو, ان کو صرف ایک جو آپ نے وہ بنایا ہوا ہے وومن پولیس اسٹیشن, آل دا وے وہ وہاں پر نہ جائیں, وہاں پر بڑا رش ہو جائے گا, کیونکہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ حیدرآباد میں ہوا ہے تو وہ یہاں وومن پولیس اسٹیشن تو نہیں آئے گی.
खैर ही इज कंसीडरिंग दिस रिक्वेस्ट और उन्होंने एडिशनल आईजीपी कराची जो हमारे मिस्टर मुश्ताक महर हैं उनको ये कहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट के मेरे ख्याल से अभी जो है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हर थानों में अपॉइंट हो जाएंगी तो खवातीन जाके आराम से. अच्छा दूसरी बात ये कि SSU जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर्स बना दिए हैं जहां पर खवातीन भी मौजूद हैं और दूसरे मेल पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं तो वो एक बड़ा इजी एक्सेस है खवातीन के लिए और वो फैसिलिटेशन सेंटर्स देखने वाले हैं और वो किसी भी तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाय द वे. यस उसमें आपको वो पर्ची निकालनी पड़ेगी देन देयर इज अ वेटिंग लिस्ट तब आप जाएं और आप अपनी लेडी पुलिस ऑफिसर के पास उनको सारे मसाइल बताएं. अच्छा घरेलू तशद्दुद से लेकर अगर हरासमेंट लेवल तक या और कोई ऐसी बात हो गई सारे मामला डील करेंगे और तीसरा ये कि हम लोग अभी ह्यूमन राइट्स डेस्क अनाउंस करने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स सेल्स जो कि एक हमारे आईजी थे बाबर खटक साहब उन्होंने ऑर्डर्स इश्यू किए थे और फिर आपको पता होगा इस फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने भी ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि पूरे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट सेल्स एस्टेब्लिश करें तो उसकी कंटिन्यूएशन में अब इंशाल्लाह ताला विद इन वन वीक और टू सो वी विल बी इनॉग्रेटिंग ह्यूमन राइट सेल्स तो खवातीन के लिए वो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि वो वहां आकर आराम से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें. ठीक है शहरी से भी हमें सवाल करना है जो कॉलर का सवाल था लेकिन एक और कॉलर मौजूद है और बड़े रेगुलर हमारे कॉलर रहे हैं बड़े अरसे बाद इन्होंने अभी कॉल किया. अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब. वालेकुम सलाम सर कैसी हैं आप. मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कॉल किया. मुझे बड़ी खुशी हो रही है मुझे शर्फ हासिल हो रहा है इत्तेफाक से बात करने का. रमजान में पहली मरतबा मैं सोच रहा था कि आप लाइव कॉल ले रहे हैं या नहीं ले रहे लेकिन बात ये है कि अभी हमारी बहन बैठी थी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पुलिस देखें पुलिस जहां हम पुलिस की बुराइयां भी करते हैं तो पुलिस बहुत सारे काम भी कर रही थी. रियली अभी मैं बहुत बड़ी तरादी की महफिल खालिद बिन हाल पर अटेंड करके आ रहा हूँ. बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है यकीन करें नुसरत इतने जबरदस्त तरीके से पुलिस वाले इसको हैंडल करते हैं. इसमें बड़े लेवल के लोग भी हैं छोटे सिपाही भी होते हैं. मैं बिलीव करें मैंने अप्रिसिएशन दी उनको मैंने कहा कि आपने जो हमारी हिफाजत की आप खड़े में अल्लाह इसको आपको जजा दे. तो ये बाहिनी अंडरस्टैंडिंग की बात होती है. देखिए बात ये रवैया मेरा पुलिस के साथ और पुलिस का मेरे साथ बिल्कुल अच्छा होना चाहिए उसने इखलाक वाला होना चाहिए. अब सवाल ये शहरी ने जैसे कहा शहरी तो डील करते हैं शहरी उसमें खतरनाक आप शहरी से आज सवाल भी करें मैं चाहती हूँ आपके जहन में जो सवाल है वो जरूर करें. करूंगा शहरी से लेकिन फिर एक इतनी सी बात कहना चाहूंगा. देखिए बात ये कि आप जरा पुलिस की प्रॉब्लम ये समझेंगे 11,000 पुलिस वाले VIP ड्यूटी पे हैं वो बेचारे क्या करेंगे हमारी खिदमत क्या करेंगे उनको तो उनके घरों का पानी भर तक के लाना पड़ता है. ये पोलिटिसाइजेशन है सबसे बड़ी बात. ये दूसरी बात ये कि इनकी जो इनकी इनको फैसिलिटेट आप क्या कर रहे हैं आप ये भी तो देखें ना. अच्छा शहरी से जो मेरा सवाल है शहरी मुझे ये बात बताएं कि आप पुलिस के साथ काम करते हैं क्राइम डांस को वो अबेंडन करते हैं और बहुत सारी चीजें लेके आते हैं. अब मसला ये होता है कि हम तो ये प्रोग्राम एक घंटे में देख के फारिग हो जाते हैं. आपके ऊपर क्या प्रेशर होते हैं दोनों तरफ से पुलिस आपके अगर पुलिस के खिलाफ करो तो पुलिस आपके खिलाफ हो जाती है अगर आवाम के हक में कोई बात की जाए तो फिर एक दूसरी तरफ हो जाती है तो और फिर पॉलिटिकल प्रेशर होता है. आप इसको हैंडल करते हैं किस तरह क्या आप अल्लाह रसूल का नाम लेके निकलते हैं क्योंकि खतरनाक काम है. आपके अंदर क्या फीलिंग्स होती है मुझे बताएं. ठीक है ये सवाल ऑनियर जवाब देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द कॉल. सबसे पहले तो इनका शुक्रिया और मुझे नहीं पता शायद इनकी फैमिली से शायद कोई पुलिस डिपार्टमेंट में हो क्योंकि ये बड़ी अंदर की तकलीफ है. बड़े लर्नड कॉलर हैं ये बड़ी अंदर की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है पुलिस की वो इन्होंने डिस्कस करी है तो एक बड़ी अच्छी बात है. जहां तक हमारे प्रेशर्स का सवाल है तो अभी हमारी एक जॉब बन चुकी है 7 साल से हम ये शो कर रहे हैं टारगेट और प्रेशर्स होते हैं. जाहिर है जब भी आप कोई काम करने जाए अच्छा काम करने जाए तो आपको बिल्कुल प्रेशर्स का सामना होता है. लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा हमें बड़ी सपोर्ट करता है. आज न्यूज़ का एक बड़ा एहसान है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसके ऊपर कि वो बड़ा सपोर्ट करते हैं. और बाकी प्रेशर्स की बात तो ये हमें मिलते रहते हैं. कभी हमें जो है वो दहशतगर्द अनासर की जानिब से मिलते हैं तो कभी और जगहों से मिलते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग हैंडल कर लेते हैं ना. एक प्रेशर है जो आप शायद हैंडल कर पाए या ना कर पाए सबने सरेंडर कर दिया उसके आगे. कौन सा प्रेशर वो अभी आप उस दौर में आए नहीं ना. अच्छा, शादी अच्छा, के बाद पूछूंगी मैं आपसे. उस प्रेशर के सामने प्रेशर से बढ़ने लगता सब सरेंडर कर देते हैं चाहे कोई कितना ही हीरो बने कैमरे के सामने. बिल्कुल है ना होता हो। और अभी अगर ऐसा हो गया होता तो मैंने शहरी से बहुत सारे सवाल करने थे लेकिन चले आप बच गए. नेक्स्ट रमजान तक देखते हैं ना फिर मैं आपसे जरूर सवाल करूंगी है ना. क्यों मानती है ना फौजिया बात इनकी और मेरी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है ये लेकिन मानते हैं ना ऐसा है. नेक्स्ट ईयर तो फिर कुछ ना कुछ. मुफ्ती साहब आप मानते हैं बेगम का प्रेशर जो है चाहे कोई भी हो
बाहर कितना ही फन्ने खां हो लेकिन घर आके वो शौहर ही है मासूम। वो होम मिनिस्टर है। हाँ होम मिनिस्टर है, वाह मुफ्ती साहब ने भी बड़े फराख दिल से कहा होम मिनिस्टर है। मुफ्ती साहब एक और आपसे सवाल ये है कि अभी जो हमारे कॉलर बात कर रहे थे कि फैसिलिटीज नहीं है, जाहिर है जब किसी का पेट भरा होगा तो वो उसका दिमाग भी चलेगा, वो बहुत से काम भी करेगा और अच्छे काम भी करेगा। जब किसी का पेट ही नहीं भरा हुआ होगा, उसके बच्चे भूखे होंगे, उनकी जिंदगी में पढ़ाई नहीं होगी या और मामलात होंगे, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलेंगी तो वो अच्छा काम नहीं कर सकेगा। पुलिस के मामले में आप क्या समझते हैं, जैसे आपने हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया कि उनके दौरे हुकूमत में ये इदारा कायम किया गया तो इनकी हिफाजत और इनकी फैसिलिटेशन पे भी काम किया गया होगा, वो क्या है आपके ख्याल में हमारे मजहब में? पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ सिर्फ पुलिस ही नहीं, किसी भी इदारे में अगर आप देख लें तो आम अमूमन सैलरीज क्या है, 8,000, 10,000, 15,000 स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्टिंग है। तो इसमें एक फैमिली का गुजर बसर कैसा हो सकता है, ये तो यानी नामुमकिन से बात है। अगर अरबाब इख्तियार और इक्तदार जो अफराद हैं तो उनको खुद इन अफराद की जगह अपने आप को रख कर ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा घर हमारा चूल्हा इसमें जल सकता है या नहीं। और दूसरी चीज़ के इस चीज़ को अगर बुनियाद बना के कहा जाए कि पुलिस की सैलरीज कम है इस वजह से दीगर जराए से वो हासिल करती हैं, तो फिर पुलिस वाले को किसी ने पाबंद नहीं किया कि आप यानी कि इसी जॉब में आए, इसी महकमे में कहीं और आप चले जाएं, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि इस महकमे रहकर आपको हराम के जरिए दीगर जराए से अगर आपको अपनी जरूरियात पूरी करनी पड़ेंगी तो आप आपको फोर्स नहीं किया किसी ने, आप किसी और महकमे में चले जाएं। गलती आपकी ही है। देखें ना इसमें यानी पुलिस वाले के पास एक जो कांस्टेबल है ट्रैफिक वाला है या दीगर, तो वो इख्तियार रखता है कि किसी से रिश्वत ले या ना ले, तो नहीं लेता है तो उस पर कोई फोर्स तो नहीं किया जाता कि आप रिश्वत दो, ये तो उसका अपना एक इख्तियार अपनी मर्जी है। मजबूरी शायद ऐसी हो जाती है ना। मजबूरी देखें शरीयत ने ये कोई यानी रास्ता नहीं रखा कि अगर आपकी तनख्वाह से आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, उस महकमे में आपके पूरे नहीं हो रहे, तो फिर आप हराम कारी करें, हराम के जरिए माल हासिल करें, आप किसी दूसरे महकमे में ज्वाइन कर लें कि जहां आपको आपकी जरूरियात के मुताबिक पैसा मिल सकता है। एक ब्रेक यहां पर आ गया है, ब्रेक के बाद एक और कॉलर ने शायद बात की थी शहरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सी अंदर चीजें अंदर खाने चीजें हो रही होती हैं, जो आपने भी तस्करा किया था कि मुझे बहुत कुछ पता है, तो जो जो आप बताना मुनासिब समझे मैं चाहूंगी कि वो आज आप शेयर करें क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है। और फौजिया साहिबा आपसे भी कि व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल पर जाके आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है खवातीन के लिए आप लोगों ने काम कर लिया, इमेज बिल्डिंग पे काम कर लिया, लेकिन वो जो उन लोगों की वीकनेसेस हैं या जो उन लोगों को सही तरीके से प्रोविजंस नहीं दिए जा रहे जिंदगी के पुलिस डिपार्टमेंट में, उस पर भी काम हो रहा है, क्या होगा आगे ये आपने हमें बताना है आफ्टर दिस ब्रेक। रमजान हमारा ईमान और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, उनके इमेज के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कोई सवाल भी किया था जो मेरे जहन से निकल गया, तो आपके जहन से भी निकल ही गया होगा, इतनी हमने बातें की। हाँ इतनी बातें की व्हाट्स नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था, लेकिन हम और ब्रेक में बहुत सी ऐसी बातें कर रहे थे शहरी, उनकी तरफ अगर हम लेकर चलें फौजिया साहिबा को। बिल्कुल फौजिया साहिबा से जाने से पहले मैं एक सवाल मुफ्ती साहब से करना चाहूंगा। मुफ्ती साहब हमारे यहाँ लोगों का एक मसला है कि ठीक है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है जो पुलिस ले रही है वो एक हम दूसरी तरफ कर देते हैं। हमारे यहाँ जो आवाम है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 100 रुपए 50 रुपए रिश्वत देते हैं। अच्छा इधर अगर भी हो सकता है कॉलर आया बोले कि जी हमसे प्रेशर देकर रिश्वत ली जाती है, प्रेशर देकर रिश्वत नहीं ली जाती है। सपोज मैं जा रहा हूं मेरे पास गाड़ी के कागजात नहीं है, अगर मैं कानून पे चलूंगा तो मुझे थाने जाना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, मैंने जेब 100 रुपए निकाले दे दिए, मैं उसका गुना जो है वो जानना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में इसका क्या गुना है, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले जो दिन में 100-150 वो रिश्वत देते हैं उसको उन्हें क्या गुना मिलता है। मुल्की कवानीन जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो जी, ऐसे कवानीन जो जिसमें कुरान और सुन्नत की कोई खिलाफ वर्जी ना हो, तो उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की तरह उसको अपनाना ये लाजमी है, जिसमें किसी भी बंदा मोमिन की किसी इंसान की इज्जत नफ मजरू होने का खौफ हो, यानी ये ट्रैफिक का अगर कोई रूल तोड़ेगा तो ज़ाहिर उसकी इज्जत नफ मजरू होने का खौफ है, तो उसको वो कानून अपनाना ये लाजमी है। अब उसमें जो हमारे शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं कि कागजात नहीं है तो 100 रुपये पकड़ा दिया, तो इसीलिए फरमाया कि राशि और मुर्तशी यानी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये दोनों जहन्नम ही है, दोनों जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि यानी आसानी के लिए उन्हें हराम रास्ता इख्तियार किया। इसमें जो लेने वाला है
वो ज्यादा इसमें इख्तियार रखता है कि वो ले या ना ले। अब देने वाले का ये है कि वो अगर देता है, अगर मजबूरन देता है तो वो किसी मजबूरी के तहत दे रहा है, तो सामने वाला अगर नहीं लेगा तो वही रुक जाएगा, यानी कानून की पासदारी होगी, कानून की अमल दरामद होगी। तो उस सूरत में कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और उसको वही यानी उसका सद्देबाब कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों ही बराबर के गुनहगार है। देखिए, अगर आपने बात करी कि मैं मजबूरी के तहत दे रहा हूँ, तो फिर मैंने अपना एक जहन भी बना लिया ना कि मैं रोज बगैर कागजात के निकलूंगा, पकड़ लिया तो 150 में मामला तय कर लूंगा। मैं आप और मैं, हम कोई बहाना साजी कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तो हम झूठ और कोई इस तरह वही मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो दिन में एक गुना करते हैं उसका गुना उन्हें क्या मिले? क्या है गुना, क्या है रिश्वत देने का, क्या गुना है? एक रुपया भी अगर रिश्वत दी जाए या 100 रुपया दी जाए तो उसके बारे में फरमाया कि अगर यानी उसके पास दूसरा रास्ता भी था कि रिश्वत से बचता। यहाँ दो चीजें हैं ना कि उसके पास रास्ता ही नहीं है कि वो रिश्वत से बचे, लेकिन उसके पास एक चीज थी कि वो रिश्वत नहीं देता, सजा सह लेता, बर्दाश्त कर लेता, तो फिर भी उसने अपनी आसानी के लिए रिश्वत दी तो 1 रुपया भी दिया या 100 रुपया दिया, वो फरमाया कि वो जहन्नम में, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजाद दिया जाएगा, सजा दी जाएगी उस गुनाह की। लेकिन दूसरी चीज यह कि वो रिश्वत दिए बगैर चारा ही नहीं है। जिस तरह आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है, हर शख्स जानता है कि बहाना मिल जाएगा। इसमें इख्तियार है या नहीं है, दो चीज है ना इसमें, तो ना करें गवर्नमेंट की जॉब, प्राइवेट जॉब करें। फिर इसमें यह है कि सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा कि ना अहल लोग आएंगे। आप दूसरा इसका आएगा वो भी तो ना अहल आएगा। और मेरा शरीयत ने ये लाजिम रखा है कि आपकी अगर काबिलियत है, आप उस मनसब के लिए अपने आप को मौजूद समझते हैं जी, आप अपने आप को काबिल समझते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं किसी को खिलाऊं पिलाऊंगा नहीं तो ना अहल लोग उस पर काबिज हो जाएंगे, पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में आप पे। लेकिन मुफ्ती साहब, रिश्वत तो कहीं भी किसी भी अगर हम फोरम पे बात करें तो अलाउ ही नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत देता ही नहीं है। नहीं, इसमें ये है कि ये जो मैंने आपको सूरत बयान की कि उसमें रिश्वत देने वाले के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इसके पास चारा नहीं है कि वो क्या करे। और जिस काम के लिए रिश्वत दे रहा है वो ये जानता है कि अगर रिश्वत नहीं दूंगा मैं तो ना अहल लोग उस पर काबिज हो जाएंगे, करप्ट लोग आ जाएंगे। अच्छा, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने एक हमने नाथखां डिस्कवर कर लिए 30वें रोजे तक जो है वो प्रॉपर नाथखां बन जाएंगे और फिर अल्लामा शायद उनके नाम के आगे लग जाए या कुछ और लग जाए। तो शहरी साहब, अच्छा ये जो नात अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये फसीउद्दीन साहब की नात है और ये बहुत मुश्किल नात है। तो बस कोशिश करूंगा अगर कहीं अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएंगे, बड़ी एक ये मुश्किल सी नात। अल्लाह ताला कबूल करे और कमी बेशी माफ फरमाए, कमी बेशी। ये देखिए, ये भी एक रूप है। इस पे एक और लाइटर जुमला निकलता है लेकिन वो आपको ब्रेक में बताऊंगी। मैं तो पंज तन का गुलाम, पंजतन का गुलाम हूँ मैं, गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं, तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन।
हुसैन से मुझे इश्क शाहे जमन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहां इश्क है वहीं करबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वो ही जात है, वो ही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वो ही जिनको आले नबी कहे, वो ही जिनको जाते अली कहे, वो ही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम, पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत 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 खूब और बहुत ही लुत्फ आया ये सुन के। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और आप आगे हमें और नाते सुनाए। ऑल द बेस्ट टू यू। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। तू मेरा पा, मेरी
गुनाहगार ऐसा कोई है वही न छोड़ा,
इशारे पर वो गार्ड्स और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स अच्छा, हैं। उसका उसका रीजन ये है कि ये जो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों के साथ जाती घर होते हैं। बच्चा एक फूल की तरह होता है, आपके बच्चे आप जो बच्चे के अंदर फीड करेंगे ना उसने वही करना है। आप उसको बचपन से दिखाएं कि ये पुलिस ये सब कुछ नहीं तुम्हारे आगे, वो फील लाइक अ किंग, जबकि कोई किंग नहीं है कराची शहर में, ऐसे कोई किंग नहीं बन सकता। ऐसे माजी वाकयात आए, शाहजेब का केस आया, बिल्कुल उस पर भी वो भी देखे ना कितना पैटी इशू था और किसी का जवान बच्चा चला गया उसमें, एक पैटी इशू में। लेकिन एक नुसरत उसमें मेरा एक इख्तलाफ है, मेरा एक इख्तलाफ है, शायद वो गलती थी उसकी, उसे सजा मिलनी चाहिए पर्सनली। अब लोग बोलेंगे जी, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब उस लड़के शाहजेब के लिए पूरी कौम खड़ी हो गई बिना किसी मकसद के। मैं आज तक किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया अपनी जिंदगी के, मैं उसके प्रोटेस्ट में गया था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा हमारी कौम खड़ी हो गई है। लेकिन फिर उस पर मामला का तय हो जाना, पैसे ले देना, उधर मिस्टेक हुई कि जब उनके फादर ही कह रहे थे कि नहीं मैंने सजा दिलानी है, तो एक दफा सजा दिलाते ताकि एक लड़का लेसन बनता। मगर बस शहरी ऐसी भी चीजें हैं कि उनकी पीछे दो बेटियां थी और जब बेटा चला गया तो पीछे की दो बेटियों से खड़ी हो चुकी थी, कौम खड़ी हो चुकी थी। मगर बस माँ बाप है ना, बहुत सी चीजें शायद उनके जहन में आती हूँ, पर्सनल बोला शायद मैं गलत भी हूँ, होते हैं। एक बच्ची की शादी हो गई, एक बच्ची उनके साथ है, आप जिनसे टकरा रहे हैं वो भी आपको बहुत कोशिशें कर रहे हैं हर तरह से, वो आपने देखा ही था। तो हमारे ये भी है कि सही गलत जो है, बस जिसके पास पावर है वो सही है, अगर गलत भी है तो वो उसे घुमा फिरा के सही कर देगा, अपने आप को बचा लेगा। ये एक दफा आ जाए ना कि कैफर किरदार तक कोई पहुंच जाए, एक दफा आ जाए तो शायद बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। और स्पेशली डिफेंस क्लिफ्टन की आवाम जो है वो ये चीजें रातों को, कई ऐसे केसेस हैं जो थानों तक पहुंचते ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे ऐसे केसेस हो जाते हैं दो दरिया की साइड पे, उस पे जो थानों तक ही नहीं पहुंच पाते क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते। तो वो एरिया रात के हवाले से इस वजह से भी डेंजर होता है कि वहां पर अमूमन ये गार्ड कल्चर और ये बहुत ज्यादा हमें दिखता है और सुनसान रोड नाटा बहुत होता है, बिल्कुल। तो उस वजह से ये वहाँ की आवाम को बड़ा सरवाइव करना पड़ता है इस चीज को। तो इन चीजों का ख्याल खैर सबको रखने की जरूरत है, क्योंकि देखें पहले एक ओनरशिप होती थी। फौजिया इस पे मैं चाहती हूँ आप जरूर कमेंट करें कि हमने अपने बचपन तक देखी कि ओनरशिप होती थी, लोग अपने बच्चे को ही नहीं अपने पड़ोसी के बच्चे को भी ओन करते थे, या वैसे ही आपके शहर में रह रहा है कोई भी बच्चा उसे भी ओन करते हैं। अब ओनरशिप आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है, माँ बहन बेटी की वो ओनरशिप नहीं है कि जी ये उसकी बहन है तो ये मेरी भी बहन है, या चलो किसी की भी बहन होगी मगर मेरी बहन है, बहन वाली फीलिंग। अब तो लोग खुल के इस बारे में भी बात कर देते हैं ना, कोई भी बात कर देते हैं कि जरूरी नहीं। एक्चुअली मॉरल वैल्यूज की बात होती है, और एक तो घर में तरबियत होती है और दूसरा जो तरबियत बच्चे स्कूल से और कुछ मीडिया से भी ले रहे होते हैं, तो आई थिंक वो तमाम चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं तो कुछ इस तरह से बिगड़ी हुई सूरत जो है वो सामने आती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो मॉनिटर करें अपने बच्चों को, किन दोस्तों से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन फैमिलीज में उठ बैठ रहे हैं, कौन से टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, अगर नेट यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। जैसे अब स्नैपचैट का आप जिक्र कर रही थी, तो यू नो वी शुड सी के बच्चे जो है, आपको पता है कितने सारे केसेस तो जो हमारे ह्यूमन राइट डेस्क में जो पहला केस आया था और उस वो यही था कि फेसबुक पे उस लड़के ने लड़की को फंसा के और बुलाया और उसको बोला कि मैं डायरेक्टर हूँ और तुम्हें फिल्मों में चांस दूंगा। ऑल द वे इस्लामाबाद से वो यहाँ पर आई अपने माँ बाप को झूठ बोल के कि मुझे नौकरी मिल गई है, बेचारी मिडिल क्लास फैमिली की थी, उसको जॉब की जरूरत थी। ऑल द वे जब वो यहाँ पर आई तो उसने वो अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की पहली रात ही, और वो फिर घर से भाग कर then she went to some TV channel and then TV channel brought her to DIG's office. तो देन वो जो उस वक्त डॉक्टर जमील थे DIG साउथ, तो उन्होंने कहा ये फर्स्ट कंप्लेन आपके ह्यूमन राइट डेस्क की मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। एंड वो बड़ा अच्छा उन्होंने सोल्यूशन निकाला, उसको पकड़ लिया लड़की की हेल्प से ही लड़के को, और फिर लड़की को इस्लामाबाद वापस भिजवा दिया, और फिर लड़के के जो भी फ्रॉड एंड उसके चार्जेस थे। एक फेसबुक पे दोस्ती हुई थी और उसमें लड़के ने बताया था मैं बहुत कुछ हूँ और यहाँ आए तो वो पता नहीं जोड़िया बाजार में क्या काम करता जी, था जी, जी। अच्छा निकाह भी हो गया था और उसको फिर लड़की को जब सब पता चला, फिर उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, उसको रिकवर किया, उनका डिवोर्स हुआ, ये सारी चीजें हुई। फिर एक बच्चा किडनैप हो गया था फेसबुक की दोस्ती से, रिसेंट वाकया है आप सब। और कुछ कुछ मामलों में तो रिकवर भी नहीं पुलिस कर पाती है बिकॉज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब चीजें चलती है। पुलिस की बात हो रही है और आपने अपनी नजरें बिल्कुल सीधी की हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ तो खौफ बहुत है या इग्नोरेंस बहुत है। आप इस पे कॉमेंट कीजिएगा, आप भी अपने दिल की कोई बात कर सकते हैं। ब्रेक आ गया है, ब्रेक पर जाने से पहले आप देखेंगे शहर शहर रमजान में पुलिस के हवाले से ही हमारी टीम की एक कोशिश है, ये आप देखिए, उसके बाद ब्रेक, फिर हम वापस आते हैं।
दार, फर्ज शनास और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार मुहाफ़िज ही अमन के जामिन हैं। इसी फलसफे पर कारबंद इस्लामाबाद के नाकों पर तैनात ये पुलिस अहलकार भी हैं। जराइम पेशा अफराद की गिरफ्त और मुश्तबा गाड़ियों की तलाशी लेते इन अहलकारों की सहरी भी नाकों पर ही होती है। दो बंदे जो तीन बंदे होते हैं नाके पे, दो बंदे जो बैठ कर करते हैं और एक ड्यूटी करता है। पुलिस अहलकार महकमे की जानब से फराहम की जाने वाली सहरी से मुतमिन हैं, ताहम दबे लफ्जों में दही और लस्सी की ख्वाहिश करते नजर आते हैं। सहरी हमारी थाने से आती है और अफसराने वाले के हुक्म से आती है और बहुत अच्छी आती है। दही लस्सी तो नहीं होती, अच्छा सालन मिलता है, अच्छी सहरी मिलती है। माहे मुकद्दस में अपने अहले खाना के बगैर सड़कों पर सहरी और अफ्तार करने वाले इन अहलकारों की ये ख्वाहिश होती है कि अवाम भी इनके साथ तावन करें ताकि माशरे को जराइम पेशा अफराद से पाक किया जा सके। रमजान हमारा तो सिस्टर को तो कभी नहीं, हम दोनों भाइयों की बड़ी पिटाई हुई है अब्बू से, तो हमारे अब्बू का एक रूल था, पढ़ानों का रूल था, जब एक की पिटाई होगी तो दूसरे की उसके साथ होगी, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो बड़ी शरारतें करता था, तो वो मेरी कोई पुरानी याद निकाल के ना उसमें मुझे पीटा जाता। अच्छा? तो वो एक के साथ एक फ्री था हमारे यहाँ। वाकई? सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, मुझे अभी ये याद आया अपना बचपन। तो आप कभी बाद में आपने अब्बा को बोला कि मेरी पिटाई किस लिए होगी? अब नहीं, अब तो वो इतने ज्यादा चेंज हो गए कि अगर भाई के बच्चों आपने बोला कि उस वक्त जो आपने मेरे साथ किया आपको याद है? नहीं, वो कहते मैंने कब मारा। हाँ, मुखर गए, मैंने मारा ही नहीं, अब की हमारी बड़ी पिटाई हुई है, हर चीज पर हुई। और बड़ा भाई मेरा ज्यादा शरारती था। हाँ। उसकी वजह से मेरी अक्सर जो है वो पिटाई लगती थी विदाउट एनी रीजन। जब वो आए तो जी एक के साथ एक। वैसे मुफ्ती साहब इस पे कुछ है? कथा कलामी माजर, एक को तो गलती की वजह से पिटता है वो। हाँ। और दूसरा वार्निंग के तौर पे ये किया तो इससे भी बुरा असर होना। आप बीच में जाते तो नहीं थे कि अब्बू ना मारे? नहीं, अब्बू ढूंढ के लाते थे, अब्बू हमें ढूंढ के निकालते थे कि इन्हें मारना है। और अब अब्बू कहते हैं कि अगर मैं ना मारता तो ये बिगड़े हुए होते, अब उनका ये कहना होता है। तो वैसे मुफ्ती साहब ऐसा है कि अगर एक को मारो तो उसके दूसरे को भी मारना है? नहीं, ये तो अब मिजाज पे है। बहरहाल यानी इसकी यही एक हिकमत हो सकती है, हिकमत सजा के तौर पर और आपको सबक सिखाने के लिए। आजकल ये भी होता है, एक को मार पिटती है दूसरा बेड पे लेट जाता है, सोने की। अच्छा, ये हमने सब ट्राई करी है। मैं आपको बताऊं, जब मुझे मार पड़ती थी ना तो मैं जाके लेट जाता था, फौरन किताबें निकाल लेता था, कुछ ना कुछ होता था। लेकिन वो अब्बू ने कभी इंसाफ में कमी नहीं करी है, हमें ढूंढ के लाते थे, फिर मार पड़ती थी किसी ना किसी बात पे, मैं चीखता था तो उस वजह से बच जाता था, लेकिन पिटा जरूर हूँ मैं। इस वक्त मुझे शहरी के टाइम पर याद आ गई ये बात अपनी पुरानी। अब आज का सवाल है और ब्रेक है, वो भी आप ही लिंक पे, मैं हम तो एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं रमजान हमारा ईमान और हमारी शहरी ट्रांसमिशन को आप लोग जो है वो जरूर एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चल के देखें हमारा सेगमेंट आज का सवाल। बात ये कि किसी दूसरे की नक्काली में करे या खुद शैतान की पैरवी में करे तो गुनाह तो गुनाह ही है। अगर वो रोज़ा नहीं रख रहा है तो बहुत बड़े फरीजे और रुकने इस्लाम की बुनियाद जिन पांच चीज़ों पर है उसमें से एक रुकन को एक सतून को ढा रहा है दीन इस्लाम की। पूरा दीन इस्लाम पांच सतूनों पर कायम है, उनमें से एक सतून रोज़ा है। जिस शख्स ने रोज़ा को छोड़ दिया उसकी इमारत इस्लाम का एक सतून ढह गया है। अब खैर मनाए अपनी इस इमारत की, इस्लाम खतरे में आ गया है। वो इमारत खतरे में आ गई जिसका एक सुकून टूट चुका है। बहुत सख्त हराम काम किया है उसने, चाहे वो दूसरों की नकाली में करे या अपने नफ्स की शरारत की वजह से करे। शैतान तो रमज़ान में कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान अपना काम 12-11 महीनों में इतना कर चुका होता है कि रमज़ान में अगर उसको छुट्टी भी मिल जाए तो उसका काम उसका इंसान का नफ्स करता रहता है। ऐसे शख्स का नफ्स जो शैतान से बचने का एहतमाम और कोशिश नहीं करता, इस वास्ते डरना चाहिए ऐसे लोगों को, तौबा करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि वो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ा है। इस अपने आप को तुम मुसलमान कहते हो तो खुदा के लिए मुसलमान की इस्लाम की इमारत को तो न ढाओ। रमजान हमारा
रमजान हमारा ईमान में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम डिस्कस कर रहे थे माशरा, पुलिस और हम, और फिर मुख्तलिफ और चीज़ें भी डिस्कस होती रहीं। उम्मीद है आप तक जो इसके मस्बत पहलू हैं वो पहुँचे होंगे और आप उस पर ज़रूर गौर करेंगे। कारी साहब क्योंकि यहाँ पर मौजूद थे, हमने इनकी राय इस हवाले से नहीं ली, हो सकता है शहरी होने के नाते इनके भी दिल में कुछ हो इस टॉपिक के हवाले से। जी कारी साहब, बस मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस हमारे माशरे का हिस्सा है जी, हमें चाहिए कि हम इनके साथ हर लिहाज से तआवुन करें, क्योंकि ये नमाज के अवकातों में इसके अलावा भी ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे इसके लिए ख्याल के लिए खड़े होते हैं, तो इसलिए हमें भी इनका ख्याल करना चाहिए और पुलिस वालों को चाहिए कि वो रियाया के साथ अपने साथ दयानतदारी के साथ इनके साथ पेश आए, तो इंशाल्लाह ये माशरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बड़ी अच्छी इन्होंने बात करी, इस पर मेरा ध्यान आ गया कि हम ये देख रहे होते हैं कि ईद हो, तरावियां हो, पुलिस अपनी ड्यूटी दे, बिल्कुल, और अगर पांच अहलकार खड़े होकर 500 नमाजियों को नमाज पढ़ा रहे तो उन 500 का सवाब मेरे ख्याल से उनको भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, और मैंने ईद के दिन देखा ये अपने आंखों से कि पुलिस वाला बेचारा गेट पे खड़ा हुआ था हमारे मदरसे के पास, ही ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था बेचारा, और उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, तो मैं मुझे इतना तकलीफ हुआ, फिर मैं उससे गला मिला, उसने मुझे कहा कारी साहब मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि देखो कितने लोग आए हैं हजारों की तादाद में, लेकिन किसी एक ने भी मेरे साथ गला नहीं मिलाया। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इंसान वो भी है, और देखिए फीलिंग कैसी इमोशनल बात इन्होंने बताई है, कैसी इमोशनल फीलिंग, आप उसे फैंटेसाइज करें तो उसने महसूस किया ना दिल के अंदर अपने इस दर्द को महसूस किया, यार मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ ये लोग क्यों नहीं मिलते हैं। ठीक चीज है कि जो वो हमसे किसी माली मुआमनत का तकाजा नहीं कर रहा, बिल्कुल एक जज्बात है, एहसासात हैं, उनके साथ भी वो शेयर करें, बिल्कुल ईद तो उनके लिए भी है, लेकिन चले ड्यूटी में उनके गुजर रही है, तो हम कम से कम जिस मोहब्बत का इजहार अपने अजीज व अकारिब के साथ करते हैं, तो यही जज्बा अगर उनके साथ भी शेयर किया जाए तो लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये गलत है, जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, पुलिस में अच्छे बुरे लोग हैं, मीडिया में अच्छे बुरे लोग हैं, हम सब हर जगह अब वो हम एक सेंस बना लेते हैं कि इसने काली वर्दी पहनी है तो ये गलत है, और कभी कभी हम वो नाइंसाफी कर जाते हैं कि शायद उसका गुना हमें क्या मिलता होगा हमें खुद नहीं पता। और ये देखिए इज्जत और एहतराम तो हर जगह है। यहाँ पे मैं कुछ बताऊँ, लास्ट ईयर हमने ये कैंपेन शुरू की थी इम्प्रूविंग कम्युनिटी पुलिस रिलेशनशिप्स, और पूरा साल हमने इस पे बहुत काम किया SHOs के साथ मिलके, DIGs के साथ मिलके, तो हमने लास्ट ईयर ईद जो है वो पुलिस के साथ सेलिब्रेट की थी, और हमने सोशल मीडिया के थ्रू तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अपने अपने एरिया में SHOs के पास जाइए, उनसे ईद मिलिए, उनको सवैयां भी देकर आइए, उनका थैंक यू भी करें, और इस तरह से हमने कोशिश की थी कि कोई अच्छा जेस्चर जो है वो पुलिस की और कम्युनिटी में हो, और जरा आपस में इनकी ग्रजेस थोड़े कम हो, तो इट वेंट वेरी वेल। तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, कितने अरसे से हैं आप ये तमाम काम करने में? मैं तो 10 इयर्स अब हो जाएंगे मुझे पुलिस के साथ, 2006 से 2006 से जी। उसके बाद आपने इनके बिहेवियर में ओवरऑल डीलिंग में फर्क देखा है? जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया अभी एटीट्यूड एंड बिहेवियर पुलिस का, प्लस इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा आई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। देखें पहले ह्यूमन राइट का सब्जेक्ट नहीं था, अब हमने वो ह्यूमन राइट का सब्जेक्ट पुलिस करिकुलम में ऐड करवा दिया है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो रियली यस जो भी आपके एग्जाम्स देंगे सब इंस्पेक्टर्स या कॉन्स्टेबल्स, तो दे हैव टू गो थ्रू दैट 100 मार्क्स पेपर, तो फंडामेंटल राइट्स तो अब वो खुद ही पढ़ के आएंगे, तो दैट वाज अवर बिगेस्ट अचीवमेंट इन पुलिस डिपार्टमेंट। बड़ा हमने पुश किया, बड़ा पुश किया, लेकिन एक अच्छा काम हो गया। अच्छा कोई चीज जो कभी उन्होंने आपको बताई हो अपने अपने फीलिंग के हवाले से अपने दिल से, एनीथिंग दे हैव पुलिस ऑफिसर्स ने? ऑफ कोर्स वो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, जैसे अभी एक इन्होंने मुफ्ती साहब ने शेयर किया कि वो पुलिस ऑफिसर को कोई नहीं मिला, ऐसी कोई बात जो सबसे ज्यादा जो है वो उनको इश्यू होता है कि उनकी वेलफेयर का ख्याल नहीं रखा जाता है, और उनकी सैलरीज बहुत कम है, पंजाब पुलिस के बराबर भी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाह रही थी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की, आपको पता है जो उनके चेयरमैन थे मुमताज शाह साहब, उन्होंने उनकी सैलरीज डबल करवाई, और उनके साथ भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, मैं और मेरे कॉलीग जो फॉर्मर आईजी नियाज सिद्दीकी, हम दोनों ट्रेनिंग कंसल्टेंट थे, ही वाज द लीड ट्रेनर।
तो उन्होंने जो पोजीशन होल्डर्स थे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको प्रोमोट भी किया और उनकी पोस्टिंग डिफरेंट जगहों पे करवाई। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि वन लीडर ऑन द टॉप अगर वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। यही गवर्नमेंट थी सिंध गवर्नमेंट, इन्होंने ही सैलरीज डबल की हैं। तो अभी जो हमारे करंट आईजी हैं इन्होंने भी एक वेलफेयर बोर्ड कायम किया, अभी 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज देखी है। सो ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिज डिपार्टमेंट्स वेलफेयर एंड आई थिंक पॉजिटिव चीजें ही सामने नजर आएंगी। शेरी एक और चीज भी बहुत वायरल हुई थी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे, वो शायद कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो तो हम डिटेल में जाएं या ना जाएं, मगर एक पुलिस वाले के हवाले से था कि उनको खुदकुशी का कह दिया गया और उनको तो आप देखिए ये भी तमाम केसेस हैं जो होते हैं, बहुत दयानतदार लोग भी हैं जो हमें अपेरेंटली लगा। अब मामला और क्या है क्या नहीं है वो आप बेहतर बता सकेंगे। अभी तक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि वो आइदर मर्डर था या खुदकुशी थी, क्या था वो जानजेब या कुछ इस तरह जी जी ऐसा ही कोई नाम था, एएसपी एसपी था वो बंदा। और ऐसे बहुत से केसेस हैं नुसरत, वो देखें वही बात है ना, हमें इंसान है जैसे ऐसी पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, डिसहार्ट होते हैं, दोनों को ज़रूरत है। आज का जो टॉपिक था कि हमें आवाम और पुलिस का, तो उसमें हम दोनों को ज़रूरत है कि जो आवाम की गलतियां हैं वो आवाम कम करे। और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो वो कोशिश करें कि आवाम के साथ दयानतदारी से काम करें। और इस सब्जेक्ट को और आज की इस ट्रांसमिशन को हम क्लोज करते हैं इस बात पर कि हमारी आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम चाहेंगे और बल्कि शहरी भी इस हवाले से परसू करेंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास वो ऑफिशियल्स आए जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिनका बार बार नाम लिया गया है, हमें आगे के बारे में पता चले, हमें अपने शहर के बारे में पता चले, हमें अपने मुल्क के बारे में पता चले और पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे लोगों के दरमियान, हम सब के दरमियान एक हम आहंगी हो सके। तो कोशिश करेंगे इसके लिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी। थैंक यू रिदा, आपने बड़े खाने बनाए और आज आप चुप रही। ओहो, इनके साथ भी तो एक वाकया हुआ था, वो हम नेक्स्ट में बताएंगे। अच्छा, ये अपने वाकया छुपा लेती है ना, लेकिन इनकी पुलिस ने मदद की थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के इनकी पुलिस ने मदद की थी, तो इनके लिए पॉजिटिव एक इंप्रेशन है पुलिस। अब वो बता रही नहीं चाह रही, क्या सुन ले उनसे, कल बताऊंगा। कल बताएंगे, लंबी कहानी है भाई, कल बताएंगे। ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद सुनेंगे। लेकिन इनकी पुलिस ने मदद की थी सिक्योरिटी के हवाले से, तो ये एक अच्छी चीज है, लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं। आप अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इस वक्त आजाने फजर का वक्त हो जाएगा कुछ देर बाद, तो खुसूसी दुआ में याद रखिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।